सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज हो गई है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने पूछताछ के लिए संजय लीला भंसाली को बुलाया है। उनसे सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई फिल्मों के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिस पर सुशांत और संजय लीला भंसाली के बीच बात नहीं बन पाई थी। इस केस में भंसाली का नाम तब सामने आया जब फिल्म आलोचक सुभाष के झा ने खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत को संजय लीला भंसाली ने 3 फिल्मों के लिए अप्रोच किया था। इनमें बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला और पद्मावत शामिल थी। सुशांत के सुसाइड की वजह तलाशने के लिए पुलिस एक्टर के करीबियों समेत कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है। इसी मद्देनजर अब भंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल मुंबई पुलिस ने सुशांत के सुसाइड केस में 3 टीमें बना रखी हैं। तीनों टीमों के कामों का विभाजन इस तरह किया गया है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जा सके और सुशांत की आत्महत्या की वजह की तह तक जाया जा सके। पुलिस इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके मैनेजर अभिनेत्री संजना सांघी समेत अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि आज सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म में सुशांत के अपोजित संजना सांघी को कास्ट किया गया और फिल्म को मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्ट किया है। न्यूज डेस्क।